सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम अपनी लेटेस्ट वीडियो लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम अपने स्लैब के लिए मटेरियल मंगाते हैं, जब हमने अपनी लेंटर वर्क कराना होता है या हमने जो स्लैब कास्टिंग करानी होती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बाकी के बहुत कामों में भी ये हमारे लिए एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और एज अ सिविल इंजीनियर बहुत काम आता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास जो है, हमने यहाँ पे क्यूब लिया हुआ है। आप जानते हैं क्यूब में जो है सारी साइज जो है सारी डायमेंशन सेम होती है। 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर द क्यूब। अब हमने फ्रेंड्स, हमें ये पता होना चाहिए कि वेट वॉल्यूम से जब हम ड्राई वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो जो है हमारा 54% इंक्रीज आएगा व्हेन वी हैव अ एग्रीगेट। मतलब जब हम कंक्रीट के लिए इसे यूज़ करेंगे या सॉरी पीसीसी के लिए भी यूज़ करेंगे, तो जब हम इसमें एग्रीगेट होंगे, मेनली बात ये है कि जब इसमें एग्रीगेट होंगे तो फ्रेंड्स वो है जो है 54% जो है इसमें इंक्रीज आएगा। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि 33% इंक्रीज आएगा जब हम इसे सीमेंट और सैंड के लिए ही जो है यूज़ करेंगे। तो जब हमारे पास मतलब प्लास्टर के लिए ये हो गया और ये हमारा कंक्रीट के लिए हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए सिंपली, तो वो फ्रेंड 33% इंक्रीज होगा जब प्लास्टर के लिए है और जब हमारे पास 54% इंक्रीज होगा जब हमारे पास स्लैब के लिए मतलब कंक्रीट के लिए है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शो किया हुआ लेंथ, विड्थ और हाइट हमारे पास 1 मीटर 1 मीटर और तीनों की हमारे पास जो है वो 1 मीटर है। तो ये हमारे पास 1 मीटर दिखी हो गया। अब हमने ड्राई वॉल्यूम निकालना है तो फ्रेंड इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस 33% आएगा। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस 33% आ गया। अब वेट वॉल्यूम हमारे पास फ्रेंड पता है हमें, जो हमने निकाला वॉल्यूम कितना है 1 है प्लस 33% यहाँ पे परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन में करने के लिए 33/100 × 1 करेंगे तो 1 वैसा के वैसा ही आ गया। इसको हमने सॉल्व किया 0.33 × 1 आ गया। अब ये हमारे पास 0.33 आ गया, 1 आ गया प्लस और ये हो गया हमारे पास 1.33। तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया 1.33। तो कुछ इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, जितना भी मर्जी बड़ा एरिया हो, हमने उसका जो है इस तरीके से जो है ड्राई वॉल्यूम को सॉरी वेट वॉल्यूम को जो है ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से जो है हमारी कन्वर्जन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी हम फ्रेंड्स इस तरह की वीडियोस लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।